आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 60 पे रिटायर होते हैं और 80 साल के भी हो गए हैं, 80 प्लस के हो गए हैं। अब उन्होंने वो 20 साल, 60 और 80 के बीच के जो 20 साल हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ पेंशन उनको मिली है और पेंशन पे वो जिए हैं। उनकी कोई हॉबी नहीं है, कुछ नहीं है, घर पे बैठे हैं, 20-20 साल से घर पे बैठे हैं। मेरे फादर आर्मी से रिटायर्ड हुए थे, वो तो 20 साल उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ काम किया, हॉस्पिटल्स में काम किया, नेपाल गए थे, वहाँ भी एडवाइज़र थे वहाँ पे। तो उनके जो फ्रेंड्स हैं, मैं उनको बहुत अच्छी तरह उनकी लाइफस्टाइल जब मैंने देखी, तो इसीलिए मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ हॉबी। इवन पोस्ट 60 अगर आप काम करना बंद कर देते हैं, आप हमेशा डिप्रेशन में जाएंगे और आपकी हेल्थ के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। सो दिस इज़ टू माई फ्रेंड्स हु आर रिटायरिंग, सम रिटायर एट 55, सम एट 58, सम एट 60। तो रिटायरमेंट के बाद भी एक पर्पस ध्यान से रखिएगा, कोई वर्किंग हो, रिहैबिलिटेशन वर्क हो, आप एनजीओ में काम कर सकते हैं, सोशल डेवलपमेंट वर्क, डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर सकते हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए। घर पे बैठना सिर्फ ये सोच के कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आपको पेंशन दे रही है तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यू शुड ऑलवेज वर्क सम काइंड ऑफ वर्क, है ना। बात ये नहीं है सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम नहीं करना होता है, ज़िंदगी को जीने के लिए भी काम करना चाहिए, है ना। सो यू विल बी हैप्पी, यू विल बी हेल्दी अगर आप कुछ ना कुछ हॉबी या कोई वर्किंग करेंगे। घर पे मत बैठिए प्लीज़, घर पे मत बैठिए।